गुड इवनिंग। और क्या बोलते हैं, हैप्पी विंटर, है ना। तो साल ख़त्म होने वाला है गाइस, तो हम सोच रहे हैं कि जाते जाते साल में आपसे खूब सारी ढेर सारी बैठ के सिर्फ बातें की जाएं कि पूरे साल जो है कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और आज सुबह क्या हुआ, मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं ये सोच रही थी कि दिसंबर जो है वो एंड पे है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं नया साल आने में। तो मैं ये सोच रही थी कि यूँ तो अगर सोचने बैठो तो पूरा साल यूँ चुटकी बजा के निकल गया ऐसा लगता है, लेकिन जैन में हमने इस साल क्या किया था वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। जैसे कि कार्तिक के बर्थडे पे हमने क्या किया था, किसे इनवाइट किया था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था गाइज। मतलब सुबह मेरा ऐसा मुझे लगा कि मैंने फिर जो है अपना ही चैनल खोला, वीडियोज़ निकाली और मैं 1 ईयर बैक सीधे जनवरी पे गई, वहाँ मैंने देखा। उसके बाद उससे पहले मुझे छोटी ने याद दिलाया, छोटी को सब कुछ याद था। अचानक से बोली, क्यों दीदी आपको याद नहीं है, ऐसे हुआ था, ऐसे किया था, ये किया था। मैंने कहा अब ठंड में फिर से मेरे कार्तिक का बर्थडे आ रहा है, हालांकि अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, उससे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन आएगा, उससे पहले और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि इंसान जो है ना वक्त के साथ साथ कितना आगे चला जाता है, कि इतना कुछ हो जाता है लाइफ में, सब भूलते चले जाते हैं हम। इस पूरे 2023 में हमने इतनी सारे सेलिब्रेशन किए, हमारे घर इतने सारे लोगों का आना जाना हुआ, और कई बार हुआ कि हमारा साल कैसे बीत गया हमें तो पता ही नहीं चला। और जो है ना, हम पिछले साल इसी टाइम पे घूमने गए थे, ओमकारेश्वर, महाकाल, और कहाँ गए थे, महाकाल, है ना, उज्जैन गए थे, ग्वालियर में गए थे, वहाँ पे फोर्ट घूमने, काफ़ी जगह हम लोग गए थे। तो आज मैं सारा दिन बैठ के ना पूरे साल को याद कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का टॉपिक मेरे साथ व्लॉग में आप सभी ये अपनी अपनी बातें शेयर करिए कि पूरे साल में आप सबके साथ सबसे अच्छा क्या हुआ। और वर्स तो क्या ही याद करना, किसी के साथ अगर बुरा हुआ है तो उसे भूल जाइए, भगवान करे कि वो जो बुरा आपके साथ हुआ है ना वो इसी साल के साथ चला जाए और फिर कभी लौट के ना आए। और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सालों साल जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, मेरी ज़िंदगी में भी और आप सभी की ज़िंदगी में भी। तो बुरा ये होता है कि हेल्थ को लेके जो इश्यूज हो जाते हैं घर में, अब जैसे कि हम लोग सोचते थे कि अब हमारी शुभी आई है, नई नई न्यू मेंबर आया है, हमारी फैमिली बढ़ी है, एक मेंबर बढ़ा है, तो हम न्यू ईयर कुछ अलग से सेलिब्रेट करें, कुछ नया करें, नया जो आगे जाके जब हमारी शुभी बड़ी हो तो उसे भी लगे कि अच्छा जिस साल मैं आई थी उस साल ये सब किया था हमारी फैमिली ने। पर कुछ भी ना हो नहीं पा रहा है, मेरा मन जो है ना वो इसलिए परेशान है कि मम्मी की तबीयत कई दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब थोड़ा बहुत बीमारी तो इस एज में चलता है, क्योंकि दवाई से ही जो है इस एज में आप सर्वाइव कर सकते हो। आज की डेट में मम्मी हैं, पापा हैं, हम इस एज में मम्मी से आधे हैं, फिर भी हम पता नहीं किस किस चीज़ की दवाइयाँ खाते रहते हैं। आप सबके सबकी लाइफ में आजकल ये मेडिसिन तो बहुत कॉमन है, लेकिन मम्मी की तबीयत एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि वो वॉशरूम आना जाना और उठ चलना फिरना सब उनका जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। सांस की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली जब वो गांव गई ना इस बार, तो इस बार की गांव की यात्रा उनकी जो है जिसे कहते हैं ना जत्रा खराब था उस टाइप का हो गया, तो उनका गांव जाना बिल्कुल भी उनके जो है फेवर में नहीं रहा। आने के बाद से ना वो एक भी दिन ठीक नहीं रही, और अब एक हफ्ते से तो ये हाल है कि बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा हाल है। मैं अभी वहीं गई थी, मैंने सोचा कि मम्मी के पास बैठ के ही जो है मैं व्लॉगिंग करूं, लेकिन मम्मी बिल्कुल अभी नींद में है, वो अच्छे से सोई हुई है मेडिसिन वगैरह लेके, तो मैंने सोचा फिर उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं छोटी के रूम में चली जाती हूँ, तो मैंने देखा छोटी और छोटी की छोटी भी दोनों गले लग के सो रखी हैं। अभी 10 मिनट पहले तक छोटी में जो है ना मेरी गोदी में थी शुभी, और मैं उसे पूरे घर में घुमा रही थी, और वो क्या करती है पूरी गर्दन ऊपर करके और ऐसे 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 गर्दन को रोटेट करती है एकदम फुल स्पीड में, सेकंड में इधर सेकंड में इधर बहुत, और अभी से ही ना वो हूँ हाँ हाँ सब करने लगी है। तो जो भी टाइम बचता है ना वो उसके साथ ऐसे चला जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी 10 मिनट पहले मैं उसके साथ खेल रही थी, और पूरी दोपहर जो है हम जो है ना मैं और छोटी, हम देवरानी जेठानी, ये पुरानी बातें भी कर रहे थे, पुराने रील्स निकाल के देख रहे थे कि मतलब कितने मतलब सीखते हैं हम लोग, आप लोगों से सीखते हैं, और कई चीज़ें में कई कितनी चीज़ों में बदलाव आया है, कुछ ना कुछ नया हुआ,
कुहू जिंदगी में आई, शुभी जिंदगी में आई, दो नन्ही नन्ही परियां जो हैं हम दोनों की, हम लोगों की लाइफ में जुड़ी, और आना जाना, मेहमान, लोगों का मिलना, तीज त्यौहार, सब कुछ जो है याद आ रहा था। और नए साल में क्या होने वाला है कि ये सब रिपीट होगा, सबकी लाइफ में होता है, बर्थडेज आएंगे, एनिवर्सरीज आएंगी, फेस्टिवल्स वापस आएंगे, और देखते हैं आगे आगे जो हैं कैसे हम इन सारी चीज़ों को इंजॉय करते हैं। वो कल के व्लॉग में आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए कि हम दोनों को साथ में देखना जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, और हम सोचते हैं कि हफ्ते में दो दिन कम से कम हम दोनों साथ में आके व्लॉगिंग करें, पर वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है क्योंकि उनका जो है शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही जो है ना बिज़ी रहता है, वो ऑफिस ऑफिस ऑफिस, उसके बाद के टाइम में उनको जो एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, और सेम ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। आज मतलब सुबह 6:30 बजे मैं उठी थी आज, क्योंकि पापा जो हैं दीदी के साथ हॉस्पिटल गए थे। आप सभी ने दीदी के व्लॉग में देखा ही होगा, दीदी ने शेयर किया है आज कि पापा के साथ वो गई थी, तो उस वजह से मैं 6:30 पे ही उठ गई थी। आज बच्चों की भी छुट्टी, अभी 4 दिन 2 दिन की छुट्टी पड़ी है, 30, 31 और 1 एक तारीख की भी छुट्टी पड़ी है ना। अच्छा 3 दिन 4 दिन का हॉलीडे हुआ है इनका, 2 तारीख से फिर ये लोग न्यू ईयर स्कूल जाएंगे। तो सभी अपने अपने रूम में थे, और मैं जो है बैठ के 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैंने कोई काम नहीं किया, और मैं आराम से बैठ के वो पुरानी यादों में खोई हुई थी, सब कुछ याद कर रही थी पूरे साल का ना, अच्छी अच्छी बातें जो भी हुई। तो उसके बाद से अभी शाम के 5 कैसे बज गए मुझे कुछ भी नहीं पता, वो 10 बजे से 5 कब बजे हैं मुझे फील ही नहीं हुआ। मैं कई बार कमरे में गई कि अब ना मेरे को 10 मिनट कोई कुछ मत कहना, मैं हीटर के आगे बैठने वाली हूँ, अब मैं नहीं उठने वाली। और जैसे ही मैं ऐसा सोच रही थी कि कभी केशव या कभी कार्तिक या कभी ये या कभी बुआ ही आ गए, आज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब थी घर में, कहीं बोर्ड ख़राब था, कहीं स्विच ख़राब था, कहीं होल्डर ख़राब था, तो हमने एक भैया को बुलाया था, बिजली वाले भैया को, उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें एक 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 करके सही करी। फिर वो जहाँ भी काम कर रहे थे वहाँ थोड़ी बहुत गंदगी तो गाइज हो ही जाती है, फिर मैं उन्हें साफ़ करने लग गई, फिर मैं बाहर कपड़े डालने चली गई, फिर इनको खाना देने लगी, फिर बुआ, मतलब ऐसा हो जाता है ना किसी किसी दिन कि पता ही नहीं चलता है। और मेरे बैक में मतलब फ़ोन के पीछे की साइड जो है मेरा कार्तिक पढ़ाई कर रहा है, उधर मेरे केशव पढ़ाई कर रहे हैं। ठंड में क्या होता है कि इन लोगों को आने जाने का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं होता है, ठंड में रजाई में घुस जाओ, किताबें उठा लो, और छुट्टियां हैं तो अपना आराम से पढ़ाई करो। हालांकि कार्तिक ने आज एक बहुत दिनों बाद अपनी साइकिल ठीक कराई है ना कार्तिक, देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये रहे हमारे कार्तिक। हेलो बोलो बेटा इधर। नहीं बोलोगे? हेलो बोलो। राधे राधे। तो आज कार्तिक ने कितनी साइकिलिंग करी भाई? कम की। और केशव के जो है वो कान में थोड़ा दर्द है, 2-3 दिन से ठंड लग गई है, टोपी नहीं पहन रहे थे हीरो बनने के चक्कर में, तो अब कान में दर्द है तो अब टोपी उतर नहीं रही है, अब टोपी नहीं उतर रही है तो बालों में दर्द होने लगा है, तो कुल मिला के वो थोड़े परेशान है, इसलिए उनको क्या ही डिस्टर्ब करना। तो मैंने सोचा कि कल हम दोनों साथ में आए थे, आज मैं अकेली आप सभी से बातें कर लेती हूँ, कल मैं छोटी के साथ आ जाऊँगी। इसी तरीके से बीते साल के जो 2 दिन बचे हैं हम पुरानी बातें याद कर लेते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या, आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ 2023, क्यों आपको हमेशा याद रहेगा किसी की भी लाइफ में, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि 2023 आपके लिए कैसा रहा। मैं मतलब होप करती हूँ कि सब अच्छे अच्छे, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर हुआ होगा, और होना भी चाहिए। कोई भी साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हे भगवान इस साल तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान अच्छा बुरा दोनों दिन देखो सबको दिखाते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं, तो भाई कुल मिला के देखा जाए तो हमारे लिए 2023 में सबसे स्पेशल हमारी दो नन्ही परियाँ हैं जो लाइफ में आई हैं। क्यों कहते, कार्तिक बड़े भैया भी बन गए और मामा भी बन गए। हमारे कार्तिक को बहनों से कहीं पे भी उनको पता चलता था बेबी होने वाला है, बेबी गर्ल होनी चाहिए। जब इसकी मासी को बेबी होने वाला था तो मुझे बहन चाहिए, जब मामी को होने वाला था तो मुझे बहन चाहिए,
जब दीदी को होने वाला था तो भी मुझे भांजी चाहिए, और जब अपनी चाची का नंबर आया तो भी मुझे बहन चाहिए। तो सब बोलते हैं कि ये जो लक्ष्मियों का आगमन हो रहा है ना, इनके पीछे हमारे कार्तिक का हाथ है। हमारे कार्तिक दिल से भगवान से बहन मांगते हैं, और हम खुश नसीब हैं कि हमारे घर में जो है बहुत दिनों बाद कार्तिक के बाद लक्ष्मी आई है। हम भाई मैं मेरे पास बेटी नहीं थी तो मैं तो जान लुटाती हूँ, मतलब उस पर बल्कि स्पेशली मैं आपको ना एक व्लॉग अलग से बना के दिखाऊंगी कि क्या कहते हैं कि छोटी जो है ना उसको मैं बहुत छेड़ती हूँ कि ये तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करेगी, ये तो मुझे ज़्यादा प्यार करेगी, और वो जो छेड़ जाती है ना, नेक्स्ट व्लॉग में पक्का ये चीज़ शेयर करूँगी आप सभी के साथ। फिलहाल मैं 10 मिनट से बहुत बकवास कर रही हूँ, और मेरे को नहीं लगता कि मैं ना किसी टॉपिक से उठ के किसी टॉपिक पर आ गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ उसमें से पिक करके अगर आपको मुझसे मुझे मुझसे आगे बात करनी है, कमेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लास्ट के 2 दिन बचे हैं तो आप बताइए कि व्लॉग में आपको और क्या बातें करनी है हमसे, और 2023 में क्या अच्छा हुआ ये ज़रूर शेयर कीजिए। जो हमें डेली कमेंट्स करते हैं वो तो प्लीज़ बताइए ही बताइए, और जो नहीं करते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ ये 10 मिनट जो है ना ये डे के सबसे बेस्ट, डे का पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग दूर दूर से हमसे जुड़ जाते हैं, है ना। बहुत बातें हो गई हैं तो मैं अब चलती हूँ रेस्ट करने, हीटर पे कह रही हूँ, हीटर के पास बैठूँगी, हाथ सेकूँगी, भाई बहुत ठंड लग रही है मुझे। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज।